नवजीवन अकादमी नुनुड़ी पाथरडी धनबाद, यहाँ 9th, 10th, 11th, 12th झारखंड बोर्ड, NIOS, CBSE बोर्ड आदि आर्ट्स कॉमर्स एवं साइंस तीनों स्ट्रीम की कक्षाएं प्रदान की जाती है। यहाँ ग्रेजुएशन की क्लासेस के तहत BBM के यू धनबाद के पाठ्यक्रम के अनुरूप BCOM, BA एंड BSc के कोर एवं जनरल विषय भी पढ़ाए जाते हैं। CTET, JTET, UGC NET, रेलवे, बैंकिंग, SSC आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी क्लासेस होती है। स्पोकन इंग्लिश की विशेष कक्षाएं चलती है। इसके अलावा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम एवं मोटिवेशन क्लासेस भी कराया जाता है। सभी कक्षाएं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा ली जाती है। हमारा संपर्क सूत्र है 9031126668 और 7979096305। धनबाद कोयलांचल में 6 अभ्यर्थियों ने UPSC की परीक्षा में पाई सफलता। टॉप 10 में 2 सफल अभ्यर्थी धनबाद जिले के झरिया के रहने वाले यश जालुका को चौथा स्थान मिला। शहर के हाउसिंग कॉलोनी निवासी डॉक्टर अपाला मिश्रा ने 9वां स्थान पाया। बाघमारा के शुभम ने 133वां रैंक सहित अन्य सफल अभ्यर्थियों ने जिले का बढ़ाया मान। UPSC प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 के परिणाम शुक्रवार को घोषित हुए, जिसमें पूरे देश में 761 उम्मीदवार सफल हुए। वहीं झारखंड बिहार का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। बिहार के शुभम कुमार जहां पूरे देश में टॉप किए, वहीं झारखंड के टॉपर रहे यश जलुका। झारखंड में 15 छात्र UPSC में परचम लहराकर झारखंड का नाम रोशन किए, जिसमें से धनबाद कोयलांचल के 6 छात्र शामिल हैं। धनबाद कोयलांचल सिर्फ काला ही नहीं और कोयले की कालीख में गैंगस्टर ही नहीं है, यहाँ सफ़ेद हीरे भी हैं। सिर्फ उनकी प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तभी तो धनबाद कोयलांचल के 6 छात्र UPSC में सफल होकर धनबाद की चमक को बढ़ाया है। धनबाद के झरिया के रहने वाले यश जलुका का पूरे देश में 4वां स्थान है, जबकि झारखंड में 1म स्थान प्राप्त किया। वहीं डॉक्टर अपाला मिश्रा जो धनबाद हाउसिंग कॉलोनी की रहने वाली हैं, 9वां स्थान प्राप्त की हैं। सार्थक चौधरी ग्राम खरनी 82वां रैंक, बाघमारा के शुभम खंडेलवाल का 133वां रैंक, मुनिडीह के सौरभ सिंह 411वां स्थान प्राप्त किए, जबकि कुमार धुबी के आकाश शर्मा 524 अंक प्राप्त किए। पूरे देश में UPSC में 4वां स्थान और झारखंड टॉपर यश खंडेलवाल के चाचा सहित अन्य परिवार ने बताया कि यश खंडेलवाल तो अभी दिल्ली में है, जबकि उनके माता पिता भी उड़ीसा के बड़बिल में काम के सिलसिले में हैं। इनका झरिया के लक्ष्मणिया मोड़ में राशन का दुकान है, जबकि पोदारपाड़ा में घर है। ये लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। इनके बड़े पापा और भाई भाभी सभी यश की सफलता से काफ़ी खुश हैं। इनका कहना है कि हम लोग मिडिल फैमिली से हैं, लेकिन यश शुरू से ही पढ़ने में काफ़ी तेज़ था। डिगवाडी डिनोबली में 8वीं तक पढ़ाई किया, इसके बाद बोकारो से +2 करने के बाद दिल्ली चला गया। वहीं पढ़ाई और UPSC की तैयारी कर रहा था और प्रथम परीक्षा में ही इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, जिससे हम लोग पूरे परिवार काफ़ी खुश हैं। झरिया निवासी महावीर जालुका के भतीजे व संजय लालुका जी के सुपुत्र यश जालुका ने यह कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं धनबाद शहर के रहने वाले रिटायर्ड कर्नल की पुत्री अपाला डॉक्टर अपाला मिश्रा ने पूरे देश में ऑल इंडिया रैंक में 9वां स्थान हासिल किया। डॉक्टर अपाला मिश्रा ने अपने तीसरे प्रयास में यह स्थान हासिल किया। धनबाद की रहने वाली डॉक्टर अपाला मिश्रा इस वक्त UP के गाजियाबाद में रहती हैं और उनके भाई मेजर अखिलेश मिश्रा भारतीय सेना में पैरा कमांडो हैं। डॉक्टर अपाला मिश्रा के पिता रिटायर्ड कर्नल अमिताभ मिश्रा धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी के निवासी हैं। UPSC की परीक्षा में देश में 9वां रैंक हासिल करने पर परिजनों व दोस्तों की बधाई मिल रही है। बाघमारा बाजार के शुभम UPSC में सफलता 5वीं बार में हासिल की है। बाघमारा बाजार निवासी विष्णु खंडेलवाल के सबसे छोटे बेटे शुभम खंडेलवाल ने UPSC की परीक्षा में सफलता पाया, UPSC में 133वां रैंक लाया है। शुभम अभी फिलहाल गुड़गांव में है, माता पिता बाघमारा में है। तीनों भाइयों में सबसे छोटा शुभम दिल्ली में रहकर UPSC की तैयारी कर रहा था। इस दौरान वह मैकेनिकल शिक्षा रुड़की उत्तराखंड से 2010 में किया। शुभम के UPSC में सफलता के बाद परिवार तथा रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है। वहीं बाघमारा के लोग इस खुशी की खबर को पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। शुभम के माता पिता को बधाई देने लोग पहुंच रहे हैं। शुभम के पिता बाघमारा बाजार में कपड़ा का दुकान चलाते हैं। तीनों भाइयों में शुभम छोटा है। शुभम की प्रारंभिक पढ़ाई DAV बरोरा में हुई।
कक्षा 1 से 10वीं तक की पढ़ाई बरोरा डीएवी से किया, मैट्रिक में 94% लाया था। 11वीं 12वीं की शिक्षा बोकारो डीपीएस से प्राप्त किया, 12वीं में 90% लाया था। शुभम की दादी चंदा देवी अपने पोते के सफलता से बहुत खुश है। अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास था कि पोता एक दिन यूपीएससी की परीक्षा में सफल होगा। दादा अब गुजर गए हैं, लेकिन उनका भी आशीर्वाद उसे मिल रहा है। शुभम के माता पिता ने बताया कि उनके छोटे पुत्र ने परिवार का मान बढ़ाया है, पूरा परिवार खुश है, बधाई देने वाले लगातार फ़ोन कर रहे हैं। वहीं शुभम की छोटी बहन सोनल खंडेलवाल ने कहा कि भाई का इंतजार कर रही है, घर आने में सबसे पसंदीदा डिश बनाकर खिलाएगी। भाई हो गए, मेरे अंकल जी के बेटे हो गए। अच्छा, तू कहाँ रहते हैं अभी? तो बड़बिल में है वो, दिल्ली से, दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे वो, अभी दुबई बड़बिल पहुँचे हैं। 29 तारीख को झरिया आएगा वो। झरिया में कब तक रहें, कब क्या किए? झरिया से वो आपका बचपन से यहीं पर रहा, इसी घर में रहा और झरिया से ही पढ़ा। 8 तक डिनोपली डिगवा जी से पास किया, उसके बाद 10th वो बड़बिल से पास किया उड़ीसा से, और 12th का पढ़ाई बोकारो से किया डीपीएस से। उसके बाद 12th पास करने के बाद वो दिल्ली चला गया, वहीं किरोड़ी मल स्कूल कॉलेज से बीकॉम पास किया और मास्टर का डिग्री लिया, और वहीं से आईएएस का तैयारी किया और फर्स्ट बार में आईएएस निकाला। फर्स्ट बार में आईएएस निकाल लिया, क्या कहेंगे उसके बारे में, किस तरह से था पढ़ने में? बहुत बचपन से बहुत वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था, और हम लोग मिडिल फैमिली से हैं और बहुत अच्छा पढ़ाई किया वो, और एक बार में निकाला पूरा, और वो भी इंडिया लेवल पे 4th रैंक लाया। बहुत ही गर्व की बात है हम लोग के लिए, बहुत हमें खुशी है। वो 29 तारीख को आएगा, हम उसका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करेंगे, हम लोग को बहुत अच्छा फील हो रहा है। चंदा देवी खंडेलवाल का पुत्र शुभम कुमार खंडेलवाल, बहुत बहुत बधाई हो उसको, निकाला आयुष निकाल लिया, बहुत खुशी की बात है। दादी का सपना पूरा हो गया, इतना खुशी हो कि कल कल से खुशी समाई नहीं जा रही है। मेरी माँ तो कम हो गई। हाँ, पोता का इंतजार हो रहा भाई, कब पोता घर पर आएगा मेरा। हम लोग तो पहले से बोलते थे कि डीसी आ गया, देखो घर में डीसी आ गया घर में, हमको पहले से उम्मीद था। आशीर्वाद खूब दे गए और दादी उनका आशीर्वाद को पूरा करेगी। हाँ, बीटेक किया था, फिर एमटेक किया बड़ा बेटा, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और छोटा बेटा आज उससे भी बड़ा मुकाम। अब सौरव बीच वाला, 3 बेटा है मेरा, बीच वाला सौरव खंडेलवाल बी आई, क्या बोलते हैं, एमबीए किया है, या इसे बीमटेक नोएडा से एमबीए किया, फिर उसका जॉब कर रहा है 3 साल से। और छोटा बेटा अब गाँव में रहता है, छोटा बेटा वही शुभम खंडेलवाल यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसको इस बार सफलता मिला। हम कपड़े का रिटेल शॉप है मेरा बागमारा में, हनुमान प्रतिष्ठा फर्म का नाम है। फोन तो काफ़ी जगह से आ रहा है, जो लिंक है जान पहचान के, और भी नया नया हम लोग समाज का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका भी फोन आया था, मतलब बधाई देने वाला का तांता लगा हुआ। बात तो सही है, और जान पहचान के जो भी लोग हैं रिलेटिव सबका काफ़ी फोन आ रहा है, सब काफ़ी उत्साहित हैं, सब शुभकामनाएं दे रहे हैं उज्ज्वल भविष्य की। पता है क्योंकि इस खुशी का पल दो तीन दिन के भीतर आने वाला है बागमारा। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है आज, मतलब आज सुबह से तो फोन बज ही रहा होगा। क्या लग रहा, और आप कैसे उसको तैयार किए छोटा बेटा को, क्योंकि दोनों बेटा तो आपका, एक दिल्ली में प्रोफेसर है, दूसरा एमबीए किया हुआ है। उसकी शुरू से इच्छा थी बनने की, आईएएस ऑफिसर बने, उसी मुकाम में पहुंच गया, जब भगवान की मर्जी हुई, मेहनत से पहुंच गया, आज बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को। बहुत ज़्यादा खुशी के दिन है आज, बहुत ज़्यादा खुश है हम लोग, और हम लोग को पूरा पूरा उम्मीद था कि बिल्कुल भैया हमारे ज़रूर आईएएस क्रैक करेंगे, ये एग्ज़ाम यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, और उन्होंने फाइनली हम सबको बहुत बड़ी खुशी दी है, बेहद खुश है, और बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा है उनका, बस 1-2 दिन में आ ही जाएंगे, और फिर तो बहुत सेलिब्रेशन होना है घर पे। बिल्कुल मेरा बहुत इच्छा है कि उन्हें सबसे उनका पसंदीदा चीज़ मैं बना के खिलाऊँ, एंड मैंने सोचा है कि उन्हें एक वॉच भी गिफ्ट करूँगी।